दोस्तों शायद आप भी इन स्किन क्रीमों का यूज़ अपने त्वचा को कोमल और मुलायम करने के लिए करते होंगे। ठंडी के मौसम में इन स्किन क्रीमों का डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। इसका यूज़ बच्चे से लेकर बूढ़े हर कोई करते हैं। हम इसका इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन हम लोग इस बात से हमेशा अनजान रहते आए हैं कि इन स्किन क्रीमों में क्या मिला रहता है, ये किन किन चीज़ों से मिलकर बना रहता है, कहीं कोई इसमें विषैला पदार्थ तो नहीं डाला जाता है। तो चलिए जानते हैं इस स्किन क्रीम को फैक्ट्रियों में कैसे बनाया जाता है। तो इस क्रीम को बनाने के लिए फर्स्ट इंग्रेडिएंट्स चाहिए स्टेरिक एसिड, जिसे ताड़ के पेड़ों द्वारा प्राप्त किया जाता है, और दूसरी सामग्री होती है रिफाइंड लेनोलिन, जो एक प्रकार का प्राकृतिक तेल होता है जिसे कई प्रकार के बीजों से प्राप्त किया जाता है, जैसे अलसी, अखरोट, चिया, भांग आदि के बीजों से प्राप्त किया जाता है। और अब इन सभी सामग्रियों को आपस में मिक्स किया जाएगा, जिसके लिए यहाँ के वर्कर्स एक कंटेनर में स्टेरिक एसिड को गर्म करके डालते हैं और साथ ही इन्हें गर्म भी किया जाता है, और वहीं दूसरे तरफ ग्लिसरीन को प्योरीफाई करने का काम किया जाता है। दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दें कि ग्लिसरीन एक रंगहीन और गंधहीन पदार्थ होता है, जिसे त्वचा पर लगाने से त्वचा पर निखार तथा चमक भी आती है। और अब इन्हें एक बड़े से कंटेनर में गर्म किया जाता है और अब डाला जाता है स्किन क्रीम को सुगंधित बनाने के लिए इसमें लिक्विड फ्रेग्रेंस। तो अब सुगंधित गर्म हुए ग्लिसरीन को तैयार हो रहे स्टेरिक एसिड के मिश्रण में इसको डाला जाता है। अब इसको ठंडा करने के लिए ऐसे ही करीब एक घंटे के लिए घुमाया जाता है, और जिससे कि इसमें सारे मौजूद इंग्रेडिएंट्स अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो अब ये स्किन क्रीम बन चुकी है, अब बारी आती है इसके पैकिंग की। तो इसे पैक करने के लिए सबसे पहले एक प्लास्टिक जार को कन्वेयर के जरिए आगे भेजा जाता है, और यहाँ पर इसमें लेबलिंग लगाई जाती है। अब इन डब्बों को आगे भेजा जाता है, जहां ऊपर लगे नोजल्स इन डब्बों में तैयार क्रीम को एक झटके में ही भर देते हैं। ये मशीन लगभग एक मिनट में 125 डब्बों में क्रीम को डालती है। तो अब आगे इनके ढक्कन को इसमें लगाया जाता है। देखिए कैसे ये मशीन इन पर कैप लगाने का काम कर रही है। अब यहाँ इनके ढक्कन पर भी कंपनी की एक एक करके लेबलिंग लगाई जाती है। वहीं दूसरे चैम्बर में स्किन क्रीमों के पाउच पैकेट्स को भी बनाए जा रहे हैं। तो यहाँ पर भी ऐसे ये मशीन इनमें स्किन क्रीम को भर देती है। अब इनके खुले वाले भाग को चिपका कर बंद कर दिया जाता है। तो अब इनकी पैकिंग करके मार्केटों में बिकने के लिए भेज दिया जाता है। आप ठंडी के मौसम में कौन सा क्रीम यूज करते हैं हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, और अगर ये वीडियो नॉलेजफुल लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। और फ्यूचर में ऐसे ही जानकारी से भरी वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को अभी लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को दबाकर ऑल का ऑप्शन भी सेलेक्ट कर लें। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी और वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अब आपके सामने दो वीडियो और दिख रही होगी, दोनों वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी है, आप इस पर क्लिक करके देख सकते हैं।